हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम तोरण का एक नया डिज़ाइन सीखने वाले हैं। ये देखिए, ये मैंने दो कलर लिए हैं, आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हो। ये तोरण की जो रिंग है ये कुछ मिरर है जो हम अपने तोरण को लगाएंगे। ये कुछ बीड्स है, ये देखिए थोड़ा डार्क कलर लिया है मैंने। और ये कुछ हैंगिंग बेल्स है। फ्रेंड्स, ये कितना चाहिए ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। ये इस रिंग में अब हम कॉर्ड्स डालेंगे अपने तोरण के लिए। ये कॉर्ड्स जो होती है ये हमारे तोरण के लिए सपोर्ट होती है। ये एक कॉर्ड मैंने 2 मीटर्स के लिए है, इसको जब हम डबल कर लेंगे तो ये 1 मीटर की हो जाएगी। ये देखिए, ऐसे हम इसमें डाल देंगे इसको। अब हम तोरण बनाने के लिए, तोरण की पत्ती बनाने के लिए ये सारी कॉर्ड्स इसमें डालते जाएंगे। और ये जो पत्ती बनाने के लिए मैंने कॉर्ड्स ली है, इसका साइज़ है 3 मीटर्स और ये हमें 32 चाहिए होंगी करीब करीब। ये देखिए, हमने सारी कॉर्ड्स लगा ली। अब हम इसमें नॉट्स लगाते जाएंगे। ये देखिए, हमने पूरी एक लाइन तैयार कर ली। अब हम इसके सेंटर में लगाएंगे नॉट्स। ये देखिए ऐसे ऐसे ही करते करते हमें पूरी बेल्ट बनानी है। अब हम इन दोनों की गांठ लगा लेंगे। 2 कॉर्ड्स ऑरेंज और 2 कॉर्ड्स क्रीम कलर की है, ये हम नॉट लगा लेंगे तो ये जो बेल्ट हमारी बनेगी ये जॉइन हो जाएगी। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा कि
क्योंकि हम अलग अलग कलर की पत्ती बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी बेल्ट बना ली है। आप अगर ऐसे ऐसे गिनेंगे तो 6-6 नॉट्स हैं एक लाइन में। ये जो नॉट्स हैं दो कलर की हमारी जो मिक्स आई है, ये पाछी बनेंगी। ये देखिए, ये पाछी बनती है। फ्रेंड्स, हमने ये एक गांठ खोल ली है ताकि हमारा डिज़ाइन बने। आप ठीक से देखिए, मैंने कैमरा बहुत करीब लिया है ताकि आपको सारी नॉट्स अच्छे से दिखे। ये पूरे डिज़ाइन में, पूरे बेल्ट में हम एक एक नॉट खोलते जाएंगे। मैंने कितनी लाइन छोड़ी है ये आप ठीक से देख लीजिए प्लीज़। याद रखिए, हमें एक नॉट खोलते जाना है।
अगर हम पहले ही नॉट को बनाएंगे नहीं तो आपके ध्यान में नहीं आएगा कि कहाँ से नॉट्स छोड़नी है या कहाँ की खोलनी है। इसलिए हम पूरी बेल्ट बना लेंगे और फिर नॉट खोलेंगे देख देख के कि हमें कौन सी खोलनी है। अब हम इसमें बीट डालते जाएंगे। ये देखिए, ये एक तरीका है बीट डालने का। हमने सेंटर की दो कॉर्ड्स में बीट डाला है, इसके दूसरे साइड में मैं आपको बताऊंगी कि दूसरे तरीके से बीट्स कैसे डालते हैं, ये आप देख लीजिएगा। और ध्यान रखिए कि इन दो कॉर्ड्स में सिर्फ एक नॉट से जो चार कॉर्ड्स निकलती है वही जाएंगी, ये जो बाहर की दो है ये नहीं जाएंगी। अब हम इसमें भी एक नॉट लगा लेंगे। देखिए हम इस साइड में डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए ये वाली लाइन जो है इसमें से हम एक नॉट खोल देंगे। ठीक से देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इन दो कॉर्ड्स में हम ये चारों कॉर्ड्स डाल लेंगे। ये जो नॉट है इस नॉट से चार ही कॉर्ड बाहर आती है और वो हमें डालते जाना है। ये देखिए, आप अगर ये वाला डिज़ाइन अच्छे से बना लेंगे तो नीचे का डिज़ाइन बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसीलिए मैंने इस वीडियो के दो पार्ट बनाए हैं ताकि आपको शुरुआत अच्छे से मैं समझा पाऊँ। ये देखिए, इन दो कॉर्ड्स में अब इस वाली नॉट से जो चार कॉर्ड्स निकली है वो कॉर्ड जाएंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे आप प्लीज इसे थोड़ा ध्यान से बनाइएगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया हमारा डिज़ाइन। अब हम इसमें बीट डालेंगे एक और। ये जो सेंटर की दो कॉर्ड्स होती है उसमें हमें बीट डालते जाना है और फिर नॉट लगाना है। ये देखिए, ये हम खोलेंगे। अब ये वाली गांठ खोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सारा डिज़ाइन बन गया है। अब फर्स्ट वाले सेक्शन में हमने जो बनाया था आधा वाला डिज़ाइन, वो आधा इधर भी बनेगा। ये दो कॉर्ड साइड में जाएंगे, इन दो कॉर्ड्स में ये चारों कॉर्ड जाएंगे। ये देखिए, आप ये तोरण बनाते समय इसके पास में जो मैंने क्रीम कलर की कॉर्ड्स डाली है ये कम ही डालिएगा, क्योंकि इसकी गाँठी जो है वो खुल जाती है। तो आप अगर ज़्यादा गाँठें लगा के रखेंगे तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो आप धीरे धीरे ही बनाइएगा इसे। एक पत्ती पहले बना लीजिए, फिर बाद में दूसरी पत्ती स्टार्ट कीजिएगा। लेकिन क्योंकि हम पूरा बेल्ट जॉइंट बनाने वाले हैं, इसलिए उसके पास हमें ये कॉर्ड्स डालनी पड़ती है। लेकिन कम डालिएगा। ये
लीजिए। अब हम इसमें भी ये डालेंगे और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए बहुत सारे यूज़फुल वीडियोज़ हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है आप वीडियोज़ मिस कर जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बीट डालने का एक अलग तरीका बताया है। बाहर की जो दोनों कॉर्ड्स है उसमें मैंने बीट डाला है। पहले हमने सेंटर के दो कॉर्ड्स में बीट डाला था, ये भी अच्छा लगता है और वैसे भी अच्छा लगता है। ये देखिए हमारा डिज़ाइन बन गया है। नीचे कैसे डिज़ाइन बनाती है मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊँगी।